हेलो एवरीवन, आज हम आपको नॉर्मल सिलाई मशीन से बटन और काज किस तरीके से बनाते हैं वो आपको बताएंगे। तो हम इस नॉर्मल मशीन से ही बहुत मजबूत और फिनिशिंग के साथ ये बटन लगाएंगे और काज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पट्टी, हमने जहाँ पर बटन लगाना है उसके ऊपर इस तरीके से निशान लगा लेंगे जितने दूरी पर हमें बटन चाहिए। तो हम बटन लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे निशान के ऊपर। बस हमें एक बार इसको अच्छे तरीके से टाइट से पकड़ लेना है और फुट के नीचे हम इसे सेट कर देंगे। बस हमें मशीन की जो चाल होती है उसको हम इतना रखेंगे कि जो बटन का एक सुराख होता है उसमें लग जाए और दूसरा हम इस तरीके से चलाएं तो दूसरे सुराख में हमारी ये सुई लगनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम चाल को सेट कर लेते हैं। अब हम बस फुट को हल्का हल्का उठाकर इस तरीके से हाथ से ही हमें चलानी है मशीन। अगर आपके पास वैसे बिल्कुल सिंपल मशीन है उससे भी आप ये बटन लगा सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमने पहले एक तरफ का कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद हम दूसरी तरफ का भी इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हमारा बटन लग जाएगा। तो देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये बटन लगा है, ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग गया है, बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो इसी तरीके से हम दूसरे बाकी बटन हैं उनको भी लगा लेते हैं। बस देखिए, इस तरीके से रखना है हमें फुट के नीचे और इसके ऊपर अब हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। बस हमें हाथ से ही घुमानी है। अगर आपके पास नॉर्मल मशीन है तो उसको इस तरीके से फुट को उठाना है और सिलाई लगानी है। और बस हमें चाल का ध्यान रखना है कि हमारा एक सुराख में लगे, उसके बाद हमारी सुई दूसरे सुराख में लगनी चाहिए, नहीं तो हमारी सुई टूट सकती है। तो ये देखिए, दूसरा बटन भी हमारा लग गया है। इसी तरीके से हम और बाकी बटन भी लगा लेते हैं। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारी ये बटन लग गए हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो अब इसके बाद हम आपको काज बनाना बताते हैं। काज बनाने के लिए हम यहाँ पर एक से डेढ़ इंच की पट्टी रख सकते हैं। तो इसकी आगे की तरफ हमें रखना है, जहाँ पर हमें काज बनाने हैं उससे आगे हम कम से कम पौना इंच रखेंगे कपड़े को। और देखिए, यहाँ पर हम जहाँ पर हमें काज बनाना है उतना हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इतने हमें निशान लगाना है कि जो हमारा बटन है इसमें से निकल जाए, ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है उसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे और डबल सिलाई लगा देंगे स्टार्टिंग और एंड में, ताकि हमारा जो काज है उसकी सिलाई ना खुले। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये लग गई है, इस तरीके से हमें लगाना है। अब हम इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे और जो हमारी ब्लू कलर वाली पट्टी है उसको हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। ये अलग कलर की पट्टी हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है, आप सेम कलर की पट्टी ही लगाएं। तो ये देखिए, अब हम पिंक वाली जो हमारी पट्टी है उसको हम सिर्फ पिंक कपड़े के ऊपर ही फोल्ड करेंगे, वापस ब्लू वाले कपड़े के ऊपर हम बिल्कुल भी सिलाई नहीं आने देंगे। तो ये देखिए हमारी लग गई है। अब देखिए ये हमारे काज बन गए हैं। अब हम आपको इनको बंद करके दिखाते हैं एक बार। तो ये हमारे काज बटन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया पहले पता था या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।